लिए कि 2020 में हमारे टेंट को 6 माह के लिए बरसात में उतर रहते हैं, बारिश की वजह के साथ हमारे टेंट के जो वो बुर्द हो चुके हैं, हमें वहां बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल सकती है, हमारे बच्चों को भी दिक्कत आती है और टीचर को भी दिक्कत आती है। तो इसलिए समग्र शिक्षा के पास आपकी आवाज की होने के बाद हमारे पास वहां पहुंचनी चाहिए, हमें उस चीज में भी सहूलत होनी चाहिए। दूसरे नंबर हमें टाट और टेबल और चेयर दी गई, तो हमें टाट टोटल 7 मीटर दी गई, जबकि बच्चे हमारे पास 20 या 25 नहीं हो सकते, तो 7 मीटर टाट पर 20 बच्चे नहीं बैठ सकते। उसके लिए आपकी आपकी आवाज की वजह से समग्र शिक्षा तक अगर हमारे पास जाए या सीओ दफ्तर तक जाए, तो हमें दरी ऐसी मिलनी चाहिए कि जो टेंट के अंदर आते हैं, कुछ बच्चे उस साइड भी बैठ सकते हैं और कुछ इस साइड भी बैठ सकते हैं। अगर बरसात का मौसम होता है तो बच्चों को बैठने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे नंबर आपने कहा कि आप सीधा टीचर है तो डोकू बैकू में आप चले जाते हैं, पता नहीं आप लोग जाते हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं या नहीं देते हैं। जो अल्लाह ताला के सामने हमारा फर्ज है वो हमने नवाना है, वो नवा के रहेंगे। जो चोर हमें बैठने के लिए दिए हमें चोर की कदर करते हैं। इसलिए रही बात मिडो मिल की, तो हमारे बच्चों में जो डोकू बैकू में जाता है उनको मिडो मिल नहीं मिलती है मैडम, वो स्कूल के पास है। हमें आवाज होनी चाहिए कि हमें टच वीडियो में देगा तो स्कूल चलाना है इसको पूछे हमारे ग्रीन सिग्नल टीचर सुनो सुनो रे हमारी बात हमारे ग्रीन सिग्नल क्षेत्र की, तो हमारी ग्रीन सिग्नल की जो टीचर है उनकी आवाज जनाब जावेद तेगी साहब ने बार बार उठाई है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जब भी उन्होंने कोई फील्ड में रखा तो सिग्नल क्षेत्र का शुक्रगुजार किया है कि सिग्नल ग्रीन टीचर उनकी आवाज उठाई है। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग की जो बात आई है वो भी जावेद तेजी साहब ने मुसुद्दी साहब को बयान दिया कि पार्लियामेंट में सिग्नल टीचर का वास्ता ताकि सिग्नल टीचर को ट्रेनिंग मिल सके, तो सिग्नल टीचर को भी अलाइट मिल सके। बस 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 ये गलत है।